तो मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए सामने क्या ज़बरदस्त काला बादल लगा हुआ है, पूरा पहाड़ देखिए दिख नहीं पा रहा है यहाँ से, बिल्कुल पूरा काला बादल लगा हुआ है। इधर से देखेंगे तो इधर से धूप निकल रही है, वहाँ काला बादल है, इधर मौसम थोड़ा हल्का लगा हुआ है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अगर ये बारिश चालू हो गई तो ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। तो गाइस अब यहाँ हाथू पीक से हम निकल रहे हैं, निकलते निकलते हमें 2:45 बज गए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ ले लिया क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, कुछ घूमने में टाइम लगा, फिर कुछ हम अपना मैगी वगैरह बनाने में सेल्फ कैंपिंग में लग गए, तो कुछ वहाँ पे भी हमारा टाइम गया, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें कम से कम 2.5-3 घंटे ईजिली लग गए। तो अभी नीचे उतर रहे हैं, नीचे पहले सबसे पहले जाके पियेंगे चाय और उसके बाद हम अब जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जहाँ चाय पियेंगे वहीं डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर अब कहाँ जाना है और फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ तो काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, तो जो व्यू है यहाँ से वो ज़बरदस्त है, चारों तरफ की वैली का जो व्यू है ना वो आपको वो देख कर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो हमें तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, आप भी आइए मत्था टेकिए और व्यू का भी यहाँ मज़े लीजिए। तो जब हम आए थे यहाँ पे तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अब निकलने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, कम से कम 15-20 गाड़ियाँ और आ गई थी। जब हम कैंपिंग कर रहे थे, मैगी बना रहे थे, तो देखते देखते 15-20 गाड़ियाँ और आ गई थी। तो अब थोड़ा रश जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो आराम से उठेंगे बच्चों के साथ, उनको निकलने में थोड़ा टाइम हो ही जाता है, तो इसी वजह से अब लंच वंच करके वो ईज़िली अब आए होंगे। तो अब जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस वक्त हम आए थे जब उस वक्त इतना यहाँ पे भीड़ नहीं था, तो हम जो है हमने जो दर्शन जो है वो काफ़ी ईजिली कर लिए। और अब जिस तरह से चढ़ाई में करने में हमें यहाँ मज़ा आया था गाड़ी चलाने में, उसी तरह से उतारने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है। जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, सो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था अब जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, तो रोड जो है काफ़ी ज़्यादा नैरो है और सामने से अगर गाड़ी आ जाती है तो इधर से गाड़ी निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो इस वक्त हो रखा है, गाड़ियाँ जो है फंसी पड़ी हैं और निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, और देखिए पूरा आगे तक जाम लग गया है, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। तो चलिए इसको क्लियर होने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, हम नीचे जब शॉप पर पहुँचते हैं चाय पियेंगे तब आपसे बाकी बातें करते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा 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 धीरे धीरे गाड़ी जो है आगे बढ़ रहा है, रोड जो है काफ़ी ज़्यादा नैरो है और सामने से अगर बाइक भी आ जाती है कोई गाड़ी के साथ तो हमें बाइक को भी एकदम कॉर्नर पे करना पड़ रहा था, तो अब अगर गाड़ी के सामने गाड़ी आ जाएगी तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, तो वही इस वक्त हो रखा है। सो गाइस यहाँ रुके थे हम चाय पीने रुके थे, लेकिन टाइम देखा तो 2:30 बजे थे, फिर हमने लंच भी यहीं पे कर लिया। तो ये फूड कार्ट यहाँ पे रुकी हुई है, तो खाना इनका टेस्टी था, अच्छा था, बहुत लाइट था और स्वाद भी था। तो हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वैसे एक सामान अभी रूम से लेना है तो शायद पहले रूम जाए और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर निकले। तो लेकिन यहाँ हम रुके थे खाना खाने के लिए, लंच कर लिया, लंच अच्छा था, आप यहाँ आ सकते हैं। हाटू टेम्पल से आते हुए आपको ये रास्ते में दिख जाएगा। तो गाइस लंच कर निकल चुके हैं अपनी होटल की तरफ, एक्चुअली जाना तो अपने सेकंड पॉइंट पर था बट करण भाई को कुछ सामान लेना होटल से, इस वजह से पहले होटल जा रहे हैं। वैसे यहाँ से होटल मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसी वजह से पास में ये तो पहले कुछ सामान ले लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपने अपने और उसके बाद निकलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो गाइस होटल हम पहुंच चुके हैं, बस इस गली में अपना अंदर होटल है और करण भाई जल्दी से सामान ले आते हैं और फिर निकलते हैं।
सो गाइस निकल गए हैं अपने सेकंड व्यू पॉइंट के लिए। तो जैसे ही हम अपने होटल पहुंचे थे लंच करने के बाद, और होटल हम पहुंचे और बारिश आना चालू हो गया। आप देख सकते हैं सड़कें सारी गीली पड़ी हुई हैं, तो इतनी ज़बरदस्त बारिश आई आई तो 10 मिनट मुश्किल से, लेकिन बारिश एकदम से तेज आई और ऊपर अभी बादल ज़बरदस्त लगा हुआ है। जैसी बारिश रुकी हम निकल गए अपना तन्नी जुब्बर लेक देखने के लिए, जो कि हमारे होटल से लगभग 10.25 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पहुँचने में हमें टाइम लगने वाला है 35 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं वहाँ भी जाकर हमें कैसे लोकेशन मिलती है, कैसा व्यू मिलता है, और लेक कितनी बड़ी है, क्या उसकी लुक है, सब कुछ आपको जाके वहाँ ज़रूर बताएंगे। और अभी आप देख सकते हैं रास्ता, आधा रास्ता वही है, आगे से हमें एक लेफ्ट कट लेना है जो कि जुब्बर लेक जाएगा, और जो अगर हम सीधा जाते तो हम दोबारा से हाथू टेम्पल हाथू पीक पहुँच जाते हैं। तो आधा रास्ता तो वही है, वहाँ से एक कट मिलेगा जो कि हमें सीधा तन्नी जुब्बर लेक ले जाएगा। ये देखिए आधी रोड पीछे गीली थी, यहाँ बिल्कुल रोड जो है बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन हल्का हल्का बूंदाबांदी यहाँ भी अभी तभी चल रहा है। लेकिन सामने अगर देखेंगे ना तो इतना घना काला बादल लगा हुआ है इस वक्त, अगर ये बारिश चालू हो गई ना तो ज़बरदस्त बारिश आने वाली है, और मौसम एकदम ज़बरदस्त ठंडा हो गया अभी। तो मैप की लोकेशन मैंने लगाई हुई है, पीछे हसीजा साहब चल रहे हैं करण भाई, और आगे चल रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो गोली की तरह भागे ही जा रहे हैं। और दोस्तों इस राइड पर भी ऊकी मट की तरह मेरी बाइक में थोड़ा इशू आ गया, रियर ब्रेक ने जो है कल से काम करना बंद कर रखा है, और केवल फ्रंट ब्रेक से मैं काम चला रहा हूँ, केवल वही काम कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा देखकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, उतने ज़्यादा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग जो है अभी अच्छी नहीं है, पिछला ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, और फ्रंट में एकदम मैं लगा नहीं सकता क्योंकि कीचड़ है, ग्रेवल है, पत्थर है, तो उसको मैं कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ब्रेकिंग में अभी थोड़ा इशू आ रहा है, कोई नहीं दिल्ली जाएंगे तो इसको एक बार चेकआउट करवाएंगे। तो ये इशू मेरे साथ आया था ऊकी मठ में, और ऊकी मठ के बाद अब इधर इशू आया है। तो आज के दिन का ये तीसरा पॉइंट है जो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गए थे पीक पे सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद गए थे हाथू पीक, और अब हम जा रहे हैं तन्नी जुब्बर लेक। ये देखिए धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, ये है पहाड़ों की रंगत। एक मिनट में मौसम ऐसे बदल जाते हैं ना, तो वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ये पहाड़ों के मौसम इसी तरह से ही है। तो मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए सामने क्या ज़बरदस्त काला बादल लगा हुआ है, पूरा पहाड़ देखिए दिख नहीं पा रहा है यहाँ से, बिल्कुल पूरा काला बादल लगा हुआ है। इधर से देखेंगे तो इधर से धूप निकल रही है, वहाँ काला बादल है, इधर मौसम थोड़ा हल्का लगा हुआ है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अगर ये बारिश चालू हो गई तो ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। गाइस एक बार यहाँ से व्यू चेकआउट करिए, इधर सूरज निकला हुआ है, आगे पूरा देखिए काला बादल लगा हुआ है, नीचे ये खेत देखिए जो है सेब वगैरह के जो खेती करके बांध रखा है, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ से व्यू आ रहा है। और मैं आपको एक बार पीछे से भी चेकआउट कराता हूँ, ये देखिए आप ये सारे में देखिए कैसे इन लोगों ने पूरा बांधा हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, जो वाइट कपड़े सबको बांधा हुआ है, तो इनको प्रोटेक्शन के तौर पर इनको बांधा हुआ है। बट एग्जैक्टली क्यों बांधा है ये मेरे को भी क्लियर नहीं है कि किसी चीज़ से बचाया गया, कोई दवाई लगाई गई है, क्या क्या किया गया, बट आप यहाँ से एक बार व्यू चेकआउट करिए उस समय, इधर बादल इधर सूरज। चलिए चलते हैं आगे। तो ऑलमोस्ट हम तन्नी जुब्बर लेक पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर रह गया, और टाइमिंग हमें दिखा रहा है 5 मिनट के नेक्स्ट 5 मिनट्स पर हम जुब्बर लेक पहुँच जाएंगे। बट यहाँ का रास्ता बीच में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन पिछले 1 किलोमीटर से जो है रास्ता बिल्कुल ख़राब हो गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रोड की कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, बीच में जो पत्थर पड़े हुए हैं, और मुझे फ्रंट ब्रेक यूज़ करना पड़ रहा है, इस वजह से मैं काफ़ी आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते पूरी रोड़ियाँ पड़ी हुई है, और फ्रंट ब्रेक अगर मैंने कहीं ज़्यादा लगा दिया तो
गाड़ी स्किड भी कर सकती है, तो वो मुझे बड़ा देख कर यहाँ चलना पड़ रहा है। और इधर बूंदाबांदी दोबारा से चालू होते हुए, अगर बूंदाबांदी आ गई ना तो फिर हमें फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बट फिलहाल देखते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब फोटोग्राफी करते हुए, वीडियोग्राफी। चलिए सर। वाओ, एक बार व्यू चेकआउट करें दोस्तों आप यहाँ से। ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर, जबरदस्त। और बूंदाबांदी यहाँ स्टार्ट हो गई है दोबारा से, व्यू एक नंबर आ रहा है यहाँ से। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। ये देखिए बूंदे पड़ने लग गई हैं, विच इज नॉट गुड फॉर अस। खैर 800 मीटर रह गया यहाँ से। सो ऊपर मौसम बिगड़ रहा है दोस्तों, मौसम बिगड़ रहा है। तो गाइस यहाँ तक आए लेकिन आकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुए। ये जो लेक है आपके सामने है, तो ये हैंडमेड लेक, तो डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा छोटा है। हमने सोचा था एक नेचुरल होगा जो, और व्यू ज़रा ज़बरदस्त आएगा। हाँ लेकिन अब देखिए हम बारिश में भीगते हुए भी आए, लेकिन वो जो एक एक्सपेक्टेशन लेके आए थे ना, वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई यहाँ के। तो एक हैंडमेड लेक हमें देखने को यहाँ पर मिली। अब मौसम भी बिगड़ चुका है तो हमें थोड़ा रुक कर जाना पड़ेगा, देखते हैं चाय वाय का इंतज़ाम है या नहीं। तो एक तो बारिश आ रही है, ऊपर से रुकने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ से ज़्यादा देर। जो लेक है वो आपके सामने है, तो सामने हम फटाफट से चाय पीते और निकलते दोबारा होटल के, इससे पहले कि ये बारिश और ज़्यादा तेज़ है और मौसम बिगड़ जाए। तो चाय पीते और निकलते अपने होटल की तरफ, क्योंकि बादल और ज़्यादा वहाँ से आता जा रहा है। तो मैं गैजेट वगैरह दोस्तों गोप्रो बंद करता हूँ, गैजेट वगैरह रखता हूँ अपने बैग में, और मिलते हैं अब आपसे सीधा होटल पे, क्योंकि बारिश तेज हो गई है। रेन लाइनर पहन लेते हैं और गैजेट्स को रख लेते हैं अपना अंदर। तो गाइस निकल चुके हैं हम तन्नी जुब्बर लेक से। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे वैसे बारिश इतनी तेज़ हो गई ना, तो ना तो मैं वहाँ ज़्यादा शूट कर पाया बारिश की वजह से, और वैसे भी वहाँ कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए था नहीं। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ वहाँ जाकर, क्योंकि हैंडमेड मैन मेड लेक है वो, कोई एक्चुअल लेक नहीं है, बट एक पॉइंट क्रिएट किया गया है टूरिस्ट के लिए। तो जितना एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वहाँ जाके ऐसी की ऐसी रह गई। काफ़ी कुछ सोच के गए थे लेक को माइंड में रखकर, बट ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं। बट हाथू पीक पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ जितना मज़ा हमें हाथू पीक पे आया उतना ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ आकर हुआ। एक तो इतनी दूर से हम गए, 10 से 11 किलोमीटर दूर हम गए, ऊपर से बारिश आ गई, कुछ शूट नहीं कर पाया, और वहाँ जाके देखा तो जो सामने था वो कुछ अलग ही था। खैर वहाँ 1-1.5 घंटा हमने वेट करा बारिश रुकने को, जैसे बारिश रुकी अभी वैसे ही हम अपने होटल की तरफ निकल चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:35, और लगभग अभी आधा घंटा लगे, और लगभग अभी आधा घंटा हमें होटल पहुँचने पर लग जाएगा। तो लेक जाने के लिए जो ये रास्ता है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है।
लास्ट के कुछ किलोमीटर के पैच पर, एक दो किलोमीटर के पैच पर जो है कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है, तो वहाँ थोड़ा देखकर चलाना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट 80% जो रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है और रोड की कंडीशन भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों अभी चलते हैं जल्दी से होटल, और फिर होटल जाके देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है, डिनर हम होटल में करते हैं या बाहर कहीं जाते हैं। तो जैसा भी रहेगा डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा, और शायद कल हम दिल्ली के लिए वापस निकल जाएं। तो अब जैसा भी प्लान होगा रात को बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे। बट कल शायद हम 90% दिल्ली के लिए निकल जाएँ। तो नारकंडा तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर ही दिया, कुछ पॉइंट है, तो कोशिश करेंगे कल जल्दी सुबह उठें और जाने से पहले एक दो पॉइंट जो है वो कवर करते हुए तब दिल्ली निकले, क्योंकि कल भी बारिश की वजह से हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, और अब बारिश हो गई थी तो भी हम नहीं घूम पाए, और अब थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में घूमना वैसे कुछ सेंस नहीं बनता है। तो अब कल मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और देखते हैं जो भी पॉइंट हमारे रह गए, जो भी पेंडिंग पॉइंट है एक या दो, तो कल उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। जीत गए। ओ तेरी, डॉक्टर साहब राइट में देखो पीक एक बार, राइट साइड में पीक देखो, राइट साइड में पीक देखो एक बार कहीं रुक के, अगर दिखता है तो क्या जबरदस्त वाइट नजर आ रही है। यहाँ रुक नजर, यहाँ से नहीं नजर आ रही। गाइस एक बार व्यू चेकआउट करिए, तो ये रास्ता है हमारे होटल पे जाने का, तो आगे ही हमारा होटल है और यहाँ से पीक देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, अमेजिंग। तो मैं एक बार वहाँ चलता हूँ, लेकिन यहाँ से इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है जाने का, अदरवाइज़ वहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू आता। अगर आप वो चेकआउट करिए, क्या ज़बरदस्त ऑसम व्यू आ रहा है, अमेजिंग, क्या पीक्स, स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स यहाँ से दिख रही हैं, गज़ब। तो ये कुछ व्यू आ रहा है हमारे होटल के पास की लोकेशन, और एक बार गाइस आप व्यू चेकआउट करिए, ये देखिए क्या स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स यहाँ से ज़बरदस्त लग रही है, ये देखिए, और सामने ये देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर तक बिल्कुल बादलों के अंदर जो है पीक्स छुप रही हैं, इतने ऊंचे यहाँ से स्नो पीक्स दिख रहे हैं, और ये ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है। नेकेड आई से जो हम देख पा रहे हैं डेफिनेटली कैमरा तो कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो यहाँ से व्यू आ रहा है एक नंबर ऑसम। यहाँ आना जिस लिए हम आए थे, जिसके लिए आए थे, वो यहाँ पे आना सफल हुआ, और वो चीज़ हमारे सामने है। थोड़ा मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है, ये देखिए, माय गॉड, इट इज टोटली मैस्मराइजिंग, टोटली अमेजिंग व्यू। तो हम आ रहे थे अभी तन्नी जुब्बर लेक से और अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो एकदम से नज़र पड़ी और ये पीक नज़र आ रही थी, क्या धूप इस पर पड़ रही है और ये अलग ही चमक रही है।